यस सर, यस सर। सर आवाज बहुत अच्छी आ रही है। सर आवाज अच्छी ढंग से नहीं आ रही आवाज। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर क्या कट गया आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज हम आपको आज मैं ले रहा हूँ आपका, ये आपका विभिन्न पार्ट। तो विभिन्न पार्ट के अंदर क्या होता है आपका कि फैब्रिक कैसे बनता है। वाइंडिंग के अंदर तो मेरा ऑब्जेक्ट है। एकदम पढ़ा वो भी ना हो, देखो बावड़े आन गिरे तो पढ़ाओ जा यार। अच्छा पढ़ा रहे, अच्छा ऑनलाइन पढ़ा जाएगा। हेलो, हमारे अभी ना उड़ न्यू ऑनलाइन क्लास आ लो, इसलिए तो लोना हुई। हेलो, हां बोल रही ये कॉलेज में उसको आप सुनिए। अभी एक महीने बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो उसमें आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन के अंदर नेट की प्रॉब्लम थोड़ी आती है, ठीक है। तो आज हम ले रहे हैं आपका वीविंग पोर्शन। वीविंग के अंदर ये होता है कि पहले आपका हेलो ये बात नहीं करना, ये मैं क्लास ले रहा हूँ, क्या है ना। अरे मैं क्लास चल रहा है यार, फिर बच्चे हाँ रख ना, मैं भिजवा दूँ। हाँ वही रखते इजी रखते। हेलो ठीक से नहीं, अभी भिजवा। हेलो हाँ, अभी मैं ले रहा हूँ आपका विविंग पार्ट। विविंग ये आपका वाइंडिंग पार्ट के अंदर आपका, आपको मैंने बताया था बॉबिन से कैसे आपका कोन फॉर्म होता है। इस कोन का यूज हम वीविंग के अंदर करते हैं वार्पिंग मशीन के ऊपर, और उससे हम वीवर्स बीम बनाते हैं, और वीवर्स बीम से हम या आपका फैब्रिक बनाते हैं। जो फैब्रिक मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये फैब्रिक आपको दिख रहा है। हेलो यस सर, ये फैब्रिक आपको दिख रहा है ना। तो yes, ये फैब्रिक आपका वार्प एंड वेब, ये दो टाइप के थ्रेड्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स है, एक हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स है, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स है, इनको हम ये वोवन फैब्रिक्स है। तो अभी आपके कोर्स में क्या है, मोस्टली वोवन फैब्रिक्स हैं। वैसे फैब्रिक्स तो कई टाइप के होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो ये बेसिकली आपका वोवन फैब्रिक्स है, इसके इसमें दो टाइप के यार्न लगते हैं। एक आपका वार्प है, ये लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स, और ट्रांसवर्स थ्रेड आप देख रहे हैं, ये आपका वेफ्ट है, ये वेफ्ट है आपका, और ये आपका जो है ये वार्प है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा फैब्रिक, वोवन फैब्रिक। हेलो, ये वोवन फैब्रिक के अंदर ये आपका वार्प है और ये आपका वेफ्ट है। तो इसके अंदर हम जो यार्न बनाते हैं आपका, तो यार्न बनाने के बाद लूम के ऊपर हम ये वोवन फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज द वोवन फैब्रिक्स। ये आपके ओवन फैब्रिक्स कई टाइप के होते हैं, इनका पूरा डिटेल आपको 4 साल के अंदर आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, जिसमें डिफरेंट टाइप की आपकी वीप्स हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लेन वीप्स है। प्लेन वीप के अंदर एक वार्प होता है, एक आपका वेफ्ट है, दूसरा होता है ट्विल वीप, जो आप डेनम पहनते हैं, जो ट्राउजर्स आप पहनते ज्यादातर, ये गेबेडीन का, डेनम का जो आप यूज करते हैं, ये सब आपके ट्विल बेस पर होते हैं। और कुछ आपके फैब्रिक्स होते हैं जो आपके ये आपका चमकदार टाइप के फैब्रिक, जिनको हम बोलते हैं आपका साटिन और सेटिन। तो बेसिकली ये तीन टाइप के ये आपके वोवन फैब्रिक्स हैं, और इन्हीं का डिटेल आप डिजाइनिंग के अंदर जितने भी आपके डिजाइनर्स होते हैं, इन फैब्रिक्स को डिजाइन करते हैं। आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप वीविंग के अंदर जा सकते हैं, मतलब फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। दूसरा आप ये आप डिजाइनिंग के अंदर, तो डिजाइनिंग के अंदर क्या हो जाता है कि हमें नए नए कपड़ों की जो डिजाइन है वो हमें डेवलप करनी पड़ती है, और इस डेवलपमेंट के अंदर ये जो फैब्रिक है आपका, दिस इज कॉल्ड द वुमेन फैब्रिक। इसके दो पार्ट है आपके, एक है वार्प आपका लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड,
जो मैं आपके होल्ड किए हूँ, ये आपका वार्प है, ठीक है ना। और ये जो ट्रांसवर्स थ्रेड्स हैं, ये आपके वेफ्ट हैं। तो ये एक हो गया आपका वार्प और एक हो गया आपका वेफ्ट। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम बाई एक्सियल फैब्रिक्स। और आप यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो बेसिकली बाई एक्सेल फैब्रिक्स के बारे में ही, जितने भी हमारे फैब्रिक्स होते हैं जो हम यूज करते हैं अप्रैल पर्पस के अंदर, शर्टिंग शूटिंग और जितने भी हैं, सब ज्यादातर आपके बाई एक्सेल फैब्रिक्स हैं। एक आपका वार्प होगा, एक आपका वेफ्ट होगा। और कुछ फैब्रिक्स होते हैं आपके ट्राई एक्सेल फैब्रिक्स। ट्राई एक्सेल फैब्रिक्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो फैब्रिक्स होता है वो तीन टाइप के यार्न से मिलकर बना होगा। तीनों यार्न आपके जो होंगे वो 60 डिग्री के ऊपर आपके इंटरलेस करते हैं। और ये जो ट्राइएक्सियल फैब्रिक्स होता है, ये जो शू अपर वगैरह होता है, जो आप शूज वगैरह पहनते हैं, तो इनके ऊपर जो अपर होता है ये बना होता है आपका ट्राइएक्सियल फैब्रिक्स का। क्योंकि बाई ये जो शूज वगैरह के अंदर हमें स्ट्रेंथ जो चाहिए वो सब डायरेक्शन के अंदर बराबर चाहिए, जबकि ये जो फैब्रिक्स आप देख रहे हैं ये बाईएक्सियल फैब्रिक्स है। बाई एक्सेल के अंदर जैसे आप लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स है, ये ट्रांसवर्स थ्रेड्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये ट्रांसवर्स थ्रेड्स हैं। तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ये या तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी ट्रांसवर्स थ्रेड में वेफ्ट वाइज, और दूसरी होगी आपकी वार्प वाइज। तो बाई एक्सेल के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है हमारी वो चेंज होती रहती है, जबकि ये शूज वगैरह के अंदर, बैग्स वगैरह के अंदर जो आप ये जो आप कपड़े ये जो अपर आप देखते हैं शूज वगैरह का, ये ज्यादातर आपका ट्राई एक्सियल फैब्रिक्स के ऊपर होता है। ये अलग ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा ट्राई एक्सियल लूम्स वगैरह। इसमें जो फैब्रिक्स है आपके बाई एक्सियल के अंदर ये 90 डिग्री के ऊपर वार्प एंड वेफ्ट आपके इंटरलेस करते हैं। और अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फैब्रिक के हम डिजाइन भी बनाते हैं, प्लेन की, ट्विल की, साटिन की। तो भीलवाड़ा के अंदर आप देखें करीब आपको 50-60 डिजाइनर्स मिलेंगे। ये सब क्या करते हैं, कोई नया कपड़ा आता है उसकी जो डिजाइन वगैरह होता है ये कपड़े की बना करके देते हैं। दे चार्ज सम मनी फॉर दैट, मतलब इनकी जो स्टार्टिंग होती है 500 से लेकर के, और कुछ डिजाइनर्स होते हैं वो पर मीटर चार्ज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर कि भाई आप इतने मीटर कपड़ा बनेगा हमको 2-3% के हिसाब से टोटल प्रॉफिट हमको चाहिए। आप देखें तो ये जो BSL वगैरह के अंदर है, रेमंड्स वगैरह के अंदर है, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर देखें तो डिजाइनिंग का पूरा डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पर आपका एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, GM होता है, फिर आपके डिप्टी GMs होते हैं, फिर आपके ये जो डिजाइनर्स होते हैं, इस तरीके से पूरा डिपार्टमेंट आपका बना होता है, दैट इज कॉल्ड द डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा डिजाइनिंग के बारे में। तो दिस इज कॉल्ड एज द वोवन फैब्रिक्स। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ये जो फैब्रिक्स है आपका, ये जो फैब्रिक्स आप देख रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर, ये नॉन ओवन फैब्रिक्स है। तो इसके अंदर आप जो होता है कि नॉन ओवन के अंदर, अभी आप जो फैब्रिक स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नॉन ओवन है, इसके अंदर वार्प एंड वेफ्ट नहीं होता है, डायरेक्ट हम फाइबर को फीड करते हैं और डायरेक्ट लूम बनाते हैं। अभी जो आप ये मास्क वगैरह देख रहे हैं N95 और ये नॉर्मल मास्क वगैरह, ये सब आपके नॉन ओवन फैब्रिक्स के बने होते हैं। इनकी तीन लेयर, दो लेयर्स आपकी यूज होती हैं, और इनके बीच में एक फिल्टर फैब्रिक भी यूज होता है, जो ये कोरोना जो आपका वायरस होता है इसको आपके नोज वगैरह में आने नहीं देता है। तो ये जो फैब्रिक्स है दैट इज कॉल्ड एज द नॉन ओवन फैब्रिक्स। और आपके जो गाउन्स होते हैं जो आप देखते हैं ये डॉक्टर्स वगैरह जो पहनते हैं वो इसी कपड़े के बने होते हैं। आज मेडिकल टेक्सटाइल के अंदर आप देखें तो ये ज्यादातर आपका नॉन ओवन फैब्रिक्स आपका यूज हो रहा है। और ये नॉन ओवन फैब्रिक जो है, वैसे तो इसके 12 पार्ट्स होते हैं, इसको आपको टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है कि हम यार्न नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट हम सीट को फीड करते हैं, नीडल पंचिंग लूम हुआ या केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं, और उनसे हम ये फैब्रिक्स वगैरह डायरेक्ट हम बना देते हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे नीडल्स होते हैं, वो पिंच करते हैं फाइबर्स पर, और ये फाइबर्स हमारे एक दूसरे से ज्वाइन कर जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो होता है ये नॉन ओवन फैब्रिक्स आपका प्रोड्यूस होता है। और जितने आप मास्क आज आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर, जैसे आप देखते हैं ना N95 मास्क है,
P95 मास्क है और दूसरे टाइप के नॉर्मल टाइप के मास्क हैं जो आप मेडिकल दुकान से जो आप यूज कर रहे हैं, तो उनके अंदर आपकी इसी नानोइन फैब्रिक की तीन लेयर्स आपकी यूज होती हैं, और फ्रंट लेयर, बैक लेयर और फिर अंदर एक लेयर और होती है जो ये फाइबर्स को फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद इसीलिए इस टाइप के जो आपके सिंपल मास्क होते हैं जो आपके 3 रुपीज से 10 रुपीज के बीच में मार्केट में मिल रहे हैं, इनको आपको यूज एंड थ्रो टाइप से यूज करना पड़ता है। मतलब इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं अपर साइड जो होती है इसके अंदर, ये जितने भी आपके वायरस वगैरह होते हैं ये सब क्लिंग कर जाते हैं, तो उनके यूज नहीं कर सकते, तो वी हैव टू थ्रो दिस वन। तो इस तरीके से हम ये आपका नॉन वोवन फैब्रिक का हम यूज करते हैं। और भी आप देखें तो ये जो आपके फुटबॉल के प्लेयर्स वगैरह होते हैं इनकी जो ड्रेसेस वगैरह होती है, बास्केटबॉल या आपका फुटबॉल वगैरह, तो इनके अंदर जो ड्रेसेस होते हैं ड्राई एंड फिट फैब्रिक कहलाते हैं। ये भी सब आपके इसके अंदर स्पेशल टाइप का मतलब इंटरलेयर फैब्रिक्स होता है, और ये मतलब क्या करता है, जो खिलाड़ियों का जो पसीना वगैरह होता है इसको एब्जॉर्ब करता है और इंस्टेंट एटमोसफियर के अंदर इसको इवेपोरेट कर देता है। इससे क्या फायदा होता है कि खिलाड़ी जो खेल रहा होता है फुटबॉल वगैरह, बास्केटबॉल या ये वॉलीबॉल वगैरह, तो उनके कपड़े आपके गीले नहीं होते हैं। तो इन सब के अंदर आपका ऐसे ही आपका ये जो नॉन वोवन फैब्रिक्स है इसका यूज आपके खेती वगैरह के अंदर भी किया जाता है। आप देखिए पूरे पूरे जो ये जो ट्रीज वगैरह होते हैं ये सब नॉन वोवन फैब्रिक से कवर कर दिए जाते हैं, ताकि आपके जो कॉस्टली ये जो आपके बादाम वगैरह हैं, काजू वगैरह, ये जो कॉस्टली फूड्स वगैरह होते हैं इन सब को हम कवर कर देते हैं, ताकि कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, ये आपका पेड़ वगैरह पर, फ्रूट्स वगैरह पर नहीं। आप देखते हैं ना कि अभी जैसे आपने देखा कि भाई टिड्डी का दल आ गया, तो इस टाइप से ये सब जो होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, ये जो होते हैं जो फ्रूट्स वगैरह लगते हैं इनको डैमेज कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि पूरे पूरे जो जो ट्रीज होते हैं इन सब को हम इस नॉन ओवन से कवर कर देते हैं। और ऐसे भी देखें आपका जो रोड वगैरह बनती है, सड़क वगैरह बन रही होती है, तो इनके अंदर भी हम इस फैब्रिक का यूज करते हैं नॉन ओवन का। और आप ये अभी आपके कई सीनियर्स हैं अपने कॉलेज के अंदर, जब आप आइएगा इंस्टीट्यूट तो अपनी एमटेक और पीएचडी का वर्क भी जो है वो नॉन ओवन फैब्रिक पर ही कॉलेज वगैरह के अंदर कर रहे हैं। और इसका यूज जो होता है नॉन ओवन का आपका ये जैसे कार्बन फाइबर वगैरह यूज करते हैं, तो इनकी जो सीट्स हैं, ये जो आपके बैडमिंटन के रैकेट्स हैं, टेनिस के रैकेट्स हैं, साइकिल्स वगैरह हैं, इनके अंदर भी आपके जो प्लेन्स वगैरह फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं इन सब के अंदर हम ये जो होता है ये कार्बन फाइबर वगैरह का यूज करते हैं, और ये सब आपके नॉन ओवन के बने होते हैं, ये कैड वगैरह के ऊपर बनाए जाते हैं। और बनाने के बाद इनका वेट जो होता है बड़ा लाइट होता है। पहले हमारे जो प्लेन वगैरह बनते थे वो सब एल्यूमिनियम या स्टील वगैरह ये मेटल के बनते थे, अभी हम नॉन ओवन यूज कर रहे हैं और इसके अंदर हम कार्बन फाइबर, आपको बदादा जी पढ़ा रहे होंगे डिफरेंट टाइप के फाइबर्स, जैसे आपका नेचुरल फाइबर है, आपका मैन मेड फाइबर्स है, पॉलिस्टर है, नाइलोन है और एक्रेलिक है, ऐसे ही आपका कार्बन फाइबर होता है, ग्लास फाइबर होता है, तो इन सब का यूज जो होता है हम ये नॉन ओवन वगैरह के अंदर यूज करते हैं। तो इस और इसका वैसे तो ये जो कार वगैरह जो होती है इसके अंदर भी आपके जो होते हैं ना ये एकॉस्टिक ट्रीटमेंट जो होता है, जिससे साउंड हमारी कार के अंदर नहीं आती है। वो आप देखें तो जो इनर पार्ट होता है कार का वो इसी नॉन ओवन फैब्रिक का बना हुआ होता है, और इसके कारण हमारी जो साउंड होती है बाहर की वो अंदर नहीं आती है, अंदर की साउंड जो होती है वो बाहर नहीं आती है। तो आपके ऑटोमोबाइल के अंदर, आपके ये स्पोर्ट्स के अंदर, आपके तो इसके 12 आपके यूज होते हैं। और मेडिकल टेक्सटाइल, मैंने आपको बताया मेडिकल वगैरह के अंदर जो आपके ये जो ये ब्रेडेड स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट नंबर दिखाऊंगा, जैसे आपके घुटने वगैरह खराब जाते हैं, ये खराब जाते हैं, तो वहां पर हम ब्रेडेड स्ट्रक्चर्स का यूज कर रहे हैं। आपके मतलब आप देखें तो ये जो शिप वगैरह होते हैं इनको हम होल्ड करने के लिए हम ब्रेडेड स्ट्रक्चर्स वगैरह के जो रस्सी वगैरह होती है वो इसी की बनी होती है, ब्रेडेड स्ट्रक्चर। ये सब आपके जो होते हैं ये ग्लास, ये आपके कार्बन फाइबर्स, पॉलीप्रोपाइलीन, इन सब का यूज करते हैं। तो दिस ऑल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, ये सब आपके जो नॉन ओवन्स हैं, ये सब आज इस नॉन ओवन
फैब्रिक्स की इतनी डिमांड मार्केट के अंदर है, इनकी जो मशीन्स थी नानोवेन की, इसकी रेट्स मार्केट के अंदर करीब 100 गुना 200 गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि आज इस नानोवेन फैब्रिक की मार्केट के अंदर डिमांड बहुत है। आज आप देखें वुवन फैब्रिक्स तो इतना नहीं सेल हो रहा मार्केट के अंदर जितना नानोवेन फैब्रिक्स आपका सेल हो रहा। तो जो कंपनी ये मशीनें बनाती है नानोवेन वगैरह की, तो उनकी जो कास्ट है आज की डेट में 100 गुना 100 गुना 200 times आपकी इनकी कॉस्ट आपकी बढ़ गई है। तो ये है आपका नानोवेन फैब्रिक्स। और इसी तरीके से आपके ये देख रहे हैं आपका ये फिल्टर फैब्रिक्स हैं। जब कभी आप इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये भी नानोवेन का बना हुआ होता है और इसके अंदर जो होल होते हैं आपके, जैसे कोई किसी केमिकल को उनको फिल्टर करना है, जैसे अभी आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं, जिससे ब्लड को हम जो फिल्टर करते हैं वो इसी का यूज करते हैं। ये सब आपके फिल्टर फैब्रिक्स हैं और इनका जो साइज होता है फिल्टर फैब्रिक्स का वो आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ये जो आपके ब्लड के अंदर पाए जाते हैं इससे प्लाज्मा को अलग कर देता है और ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ये जो आपके प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं इनको अलग कर देता है। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर जो आपका बैंक बना हुआ प्लाज्मा बैंक, तो ये आपका जो कोविड पेशेंट्स वगैरह जो ठीक हो जाते हैं उनके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, मतलब एक रेजिस्टेंस आ जाता है ब्लड के अंदर। हम क्या करते हैं कि ये जो हम फैब्रिक आपको दिखा रहे हैं दिस इज मेड बाय द ये फिल्टर फैब्रिक्स, इनके अंदर हम डिफरेंट टाइप के साइज आप क्रिएट कर सकते हैं 10 माइक्रोन 50 माइक्रोन 80 माइक्रोन, जिस टाइप का आपको साइज चाहिए उस टाइप का साइज हम इस फिल्टर फैब्रिक के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। खाली आप घर के ऊपर आप जैसे आप चाय बनाते हैं तो आप चाय को और पत्ती को आप अलग करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, आप फिल्टर यूज कर रहे हैं वहां पर, वो फिल्टर का साइज इतना बड़ा होता है कि खाली चाय आपकी अलग होती है और लीफ आपकी वो फिल्टर पर या आपकी उसके अंदर रह जाती है। तो वैसे ही ये फिल्टर्स आपके यूज होते हैं इसके अंदर। और ये फिल्टर क्या करते हैं, जो हम ब्लड को फिल्टर करते हैं तो आपका प्लाज्मा अलग हो जाता है और आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ये सब चीजें अलग हो जाती हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो इन सब का यूज जो है आजकल हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर बहुत हो रहा। अभी आप देखें तो जयपुर के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर भी कल परसों एक प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा। अगर आप इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आप, ये भी एक थेरेपी है जो आपका ट्रीटमेंट के अंदर यूज हो रही है। जैसे अभी आपका वैक्सीन तो बना नहीं है इसका कोरोना वगैरह का, हम ज्यादातर आपकी दवाइयां यूज कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट के लिए है ना, या हम ये इन प्लाज्मा वगैरह का यूज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो इसके लिए हमको ये आपका फिल्टर फैब्रिक्स है। तो ये फिल्टर फैब्रिक्स को है जैसे आपको डाई को फिल्टर करना, जैसे आप देखें डेनम डाई है ये आपके संगम के अंदर और आपके डिफरेंट प्रोसेस है जहां पर हम फैब्रिक को डाई करते हैं ब्लू कलर के अंदर इंडिगो डाई। अब उसको हमको फिल्टर करना है तो कभी कभी डाई हमारे पानी के साथ बह जाती है, तो हम क्या करते हैं डिफरेंट साइज का ये फिल्टर यूज करते हैं, उससे हम इनकी सेविंग भी कर सकते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर। तो इनका टेक्निकल यूज काफी ज्यादा होता है ये फैब्रिक का। तो दिस इज कॉल्ड एज द फिल्टर। ये सब आपके जो होते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर सब आपके कवर होते हैं। और नाउ आई एम टेकिंग द, ये मैंने आपको बताया कि ये मेन दो टाइप के फैब्रिक्स हैं, एक वोवन फैब्रिक्स है और एक नॉन वोवन फैब्रिक्स है। आप दोनों टाइप के फैब्रिक्स के बारे में अभी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हम जो कवर कर रहे हैं आपका तो वो वोवन फैब्रिक के बारे में आपको बता रहे हैं। थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया ये नॉन वोवन फैब्रिक का कितना यूज हो रहा मार्केट के अंदर। और आप देखें तो ये हमारे हॉस्पिटल वगैरह के अंदर आपके अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर्स वगैरह सब नानोवेन आपका यूज कर रहे हैं। ये जैसे ही निकलते हैं हॉस्पिटल से अंदर तो इनका जो फैब्रिक होता है नानोवेन ये थ्रो कर देते हैं, फिर नेक्स्ट डे आते हैं ये नया फैब्रिक आपका यूज करते हैं क्योंकि इसकी कास्ट बहुत कम होती है ओवन फैब्रिक्स की। आप नॉन ओवन फैब्रिक ओवन फैब्रिक्स आप बनाते हैं आपको कोन बनाना पड़ेगा तागा बनाना पड़ेगा, बड़ा लंबा प्रोसेस आप यूज करते हैं, उसके बाद रीलिंग करके फिर आप फैब्रिक आप बनाते हैं। तो इससे कपड़े की जो कास्ट होती है हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी आप देखें कि भाई तो ज्यादातर
हम अपने आप पर जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो हम पेशेंट को डॉक्टर्स क्या एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फेक्शन वगैरह होने के डर रहते हैं, क्योंकि हम जो कपड़े यूज कर रहे हैं पेशेंट वगैरह जो ये है वो इन्फेक्शन होने का डर बहुत ज्यादा रहता है। और जब हम इन नॉनवेंट का यूज करने लगते हैं हॉस्पिटल वगैरह के अंदर बेडशीट वगैरह पेशेंट के जो फैब्रिक्स वगैरह उनके अंदर भी, तो फिर यूएस वगैरह आप विदेश में देखें तो उनको एंटीबायोटिक की यूज नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो सब उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सब ज्यादातर नए ज्यादातर न्यू या स्टेरिलाइज्ड होते हैं, और उनके जो कपड़े होते हैं वो नए कपड़े नॉनवेन आपके यूज करते हैं, तो इस तरीके से वहां पर वो एंटीबायोटिक आपके देते ही नहीं है। तो ये यूज है आपका नॉनवेन का, वोवेन का मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पर आप वोवेन फैब्रिक के बारे में आप मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया ये आपका दिस इज योर वोवेन फैब्रिक। तो इसके अंदर आपके ये जो यार्न हम बनाते हैं कौन से, तो एक होता आपका वार्प और दूसरा होता आपका वेफ्ट। तो इन दोनों के इंटरलेसमेंट से हमारा कपड़ा आपका बनेगा। आप देखें तो इसके अंदर क्या है कि एक धागा आपका वार्प अप जा रहा है, एक में डाउन जा रहा, फिर अप जा रहा, फिर डाउन जा रहा। तो हम इसकी जो रिपीट बनाते हैं डिजाइन के अंदर, यही डिजाइनर हमको मार्केट के अंदर अवेलेबल कराता है, और उस डिजाइन को हम लूम के ऊपर सेट कर देते हैं तो उस टाइप का कपड़ा हमारे लूम के ऊपर बनने लगता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ द डिजाइनर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लूम के पार्ट, जैसे मैंने आपको वीविंग के अंदर बताया था आपको वाइंडिंग मशीन के ऊपर, अब हम वीविंग मशीन के ऊपर हम लूम के बेसिक पार्ट्स आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। और बेसिक पार्ट्स और थोड़ा डिजाइनिंग का पार्ट, फिर आपका जैसे वीविंग के अंदर मैंने क्लासिफिकेशन आपका कवर किया था, है ना, डिफरेंट टाइप की वाइंडिंग मशीन्स, और यहाँ पर भी आपके लूम जो होते हैं जो भिलवाड़ा के अंदर यूज हो रहे हैं। आज आप देखें 450 यूनिट्स है भिलवाड़ा के अंदर, करीब 8 या 9 करोड़ कपड़ा यहाँ पर मंथ आपका प्रोड्यूस हो रहा है भिलवाड़ा के अंदर, समझे कि नहीं। तो आपकी डिमांड ये इंडस्ट्रीज के अंदर काफी ज्यादा है, बट यू मस्ट हैव कमांड ऑन द वीविंग, क्योंकि यहाँ पर आपका 6 लाख या 7 लाख तो स्पिनिंग की यूनिट्स मतलब स्पिंडल्स हैं स्पिनिंग के अंदर, और दूसरा पार्ट आपका वीविंग। जैसे आपको वसीत जी जो पढ़ा रहे हैं वो स्पिनिंग पढ़ा रहे हैं, मैं आपको वीविंग पढ़ा रहा हूँ। तो जो स्पिनिंग के अंदर वो तागा बनाना बताएंगे आपको, और वीविंग के अंदर हम उस तागे से कोन, वाइंडिंग के अंदर मैंने बताया हम कोन बनाते हैं, उस कोन का हम वार्पिंग मशीन पर यूज करते हैं, उससे हम बीम बना करके उसको लूम पर, उसको हम वीवर्स बीम कहते हैं, उसको लूम पर हम लगाते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पार्ट्स ऑफ द वीविंग। तो ये आपका ये लूम के पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर ये कहलाता आपका, जो मैं आपको दिखा रहा था ये कहलाता आपका वार्प। ये आप देखें तो ये जो है आपका दिस इज द वार्प, और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड जो भी आप कपड़े में देख रहे थे यहां पर होती है आपकी, ये जो है ये वीवर्स बीम बनती है, ये बैक साइड में लगी होती है। इसके ऊपर जितनी कपड़े की चौड़ाई होती है उस हिसाब से इसके ऊपर आपके 4,000-3,000 थ्रेड्स इसके ऊपर होते हैं, और इससे आपका जो है ये कपड़ा आपका बन के तैयार होता है, और ये होता आपका टेकअप रोलर, और यहाँ पर फैब्रिक आपका आता है जो आपका ये वार्प एंड वेफ के इंटरलेसमेंट के बाद आपका बनेगा। तो वार्प ये आपकी वीवर्स बीम हो गई। आप देखें तो वीवर्स बीम हमारी बेसिकली इस तरीके से होती है, ये डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, ये वीवर्स बीम हमारी जो होती है वो काफी 1 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में होती है, और ये आपके थ्रेड्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। और इन इसके ऊपर आपके करीब 4,000 थ्रेड्स हमारे होते हैं, अबाउट 4,000, और जितनी कपड़े की चौड़ाई होती है उस हिसाब से थ्रेड्स हमारे इसके ऊपर आपके लगाए जाते हैं। तो डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, तो करीब वीवर्स बीम के ऊपर हमारे 4,000 थ्रेड्स होते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स हमारे क्या कहलाते हैं, वार्प। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी ये शटल है, और ये शटल
हमारी क्या होती है, इसके अंदर पर्न होती है जिससे हम वेफ्ट को ट्रांसवर्स थ्रेड जो आप कपड़े के अंदर देख रहे थे, तो ट्रांसवर्स थ्रेड को हम इस शटल से पास करते हैं। और क्या होता है कि ये शेड हमारा ओपन होता है और क्लोज होता है, तो और इसके बाद ये कहलाता है आपका टॉप रोलर्स। टॉप रोलर्स के ऊपर आप देखें तो टॉप रोलर्स में दो डायमीटर्स हैं, बिगर डायमीटर्स और स्मॉलर डायमीटर्स। तो स्मॉलर ये जो डायमीटर्स होता है ये कॉर्ड के थ्रू हुक से अटैच होता है, ये एस जो देख रहे हैं ये हुक्स हैं आपका, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके हुक्स हैं, और हुक से आपका ये हील्ड आपकी लगी हुई है, ये जो देख रहे हैं आपकी ये क्या कहलाती है, हील्ड कहलाती है। हील्ड से अंदर आपका ये 4000 थ्रेड्स आपके वन बाई वन पास होते हैं, करीब 2000 थ्रेड्स हमारी इस हील्ड से पास होंगे हील्ड नंबर वन, और 2000 थ्रेड्स हमारे इस हील्ड से पास होंगे हील्ड नंबर टू एच टू, और इस तरीके से 4000 थ्रेड्स हमारे ये लूम से पास होते हैं। उसके बाद जब शेड हमारा चेंज होता है तो फिर ये शटल, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर के अंदर हमारा वेफ्ट जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स के अंदर पास होता है, और इसके पास होने से क्या हो जाता है कि कपड़ा हमारा प्रोड्यूस होता है। और मैंने बताया आपको ये टेकअप रोलर यहाँ पर लगा हुआ होता है, ये पूरा फैब्रिक यहाँ पर आपका रोलर फॉर्म के अंदर क्रिएट हो जाता है। आप डेली देखें तो करीब ये डिजाइन की पिक के ऊपर डिपेंड करता है कितने मीटर कपड़ा आपका बनेगा। तो ये नीचे की ये लीवर्स आपके लगे हुए होते हैं, ये आपके ट्रैपेट्स लगे हुए होते हैं, ये कहलाता है आपका बॉटम शॉफ्ट। इसके लिए मोटर लगी हुई होती है और इस मोटर से हमारा बॉटम शॉफ्ट चलता है। बॉटम शॉफ्ट के ऊपर दो ट्रैपेट आपके लगे हुए होते हैं। ट्रैपेट का मेन वर्क होता है आपका कि सर्कुलर मोशन को टू एंड फ्रो मोशन के अंदर चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रैपेट और द केम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल कवर द ये आपका वीविंग पार्ट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द लूम्स एंड ऑल दैट। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द योर आपका वीविंग पार्ट। ठीक है, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, आप अटेंडेंस आप स्क्रीनशॉट लेकर के अरे गर्वित आप भेज देना। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। तो आज मैंने आपको बताया, थैंक यू सर, आज मैंने आपको बताया कि कितने टाइप के आपके फैब्रिक्स होते हैं, उनका क्या यूज होता है, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी कवरिंग द क्लासिफिकेशन एंड अदर थिंग्स। ओके सर, यस सर।